इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु थिंक्स वुमेन कन्फ्यूज एवरी वन स्पेशली द गाय फ्रेंड्स, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं यही बताने वाली हूँ उस वीडियो में कि उसकी उन बातों का क्या मतलब होता है। सो कीप वॉचिंग। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. I give professional advice on your personal life, so make sure to subscribe my channel because I try my best to make your love life easy and happy. पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि दिवाली नज़दीक है, तो ignore it please थोड़ा सा। Already बहुत लेट हो गया मुझे शूट करते करते, so make sure to subscribe my channel and yeah, let's get into the topic. नंबर वन, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ। अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि वो भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है, शी इज़ फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ, या शी इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप टाइप के सेंटेंस बोल रही है, और आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं 3 महीने बाद आ जाएंगे, या 1 साल वेट कर लेता हूँ, 1 साल बाद हो सकता है ये रिलेशनशिप मेरे के लिए रेडी हो जाए, आई शुड वेट फॉर हर। No, Dudu, you should not. Because when a girl says ki she is not ready for a relationship right now, that means she is not ready for a relationship with you. मतलब she doesn't want a relationship with you. अभी अगर कोई इसके पसंद का इंसान उसको प्रपोज कर देगा ना, तो हंसते हंसते कैसे रिलेशनशिप में आ जाएगी उसको खुद ही नहीं पता चलेगा। That will be so real and that natural. But right now, she is saying she is not ready for a relationship. It means she doesn't want a relationship with you. So you should not wait. So you should not wait. Okay, पटाखे की आवाज़ इतनी भी तेज़ नहीं थी। नंबर टू, आई हैव बीन बिजी। कोई भी गर्ल जो एक्चुअल में आपसे अटैच्ड होगी और आपसे कनेक्टेड रहना चाहेगी, वो 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं रह पाएगी आपसे बात किए बिना। बट इफ़ वो बहुत आराम से रह लेती है और फिर आने के बाद आपसे एक्सक्यूजेस देती है या सॉरी कहती है या बिजी थी कहती है, दैट मीन्स शी इज़ नॉट इन टू यू, बिकॉज शी इज़ ओके इन बींग नॉट कनेक्टेड विथ यू। वो आपके बिना भी खुश रहती है, लेकिन आने के बाद वो ऐसे बिहेव इसलिए करती है क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि रोज़ बात हो और होती नहीं है, तो अपॉलोजेटिकली वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिससे कि आप अपना दिल छोटा ना करो, आपको गोस्टेड फील ना हो, इसलिए वैसा कह देती है। बट एक्चुअल में शी इज़ नॉट इन टू यू। एंड जो गर्ल आपसे रियल वाला अटैचमेंट होगा ना, तो वो पहले से अपने प्लान्स बता देगी। लाइक अगर वो 3-4 दिन कम अवेलेबल रहने वाली है या बिजी रहने वाली है, तो वो पहले ही बता देगी आपको, इन्फॉर्म कर देगी अपने आने वाले वीक प्लान्स के बारे में। बट इफ़ वो ऐसा नहीं करती है और ये उसका नॉर्मल चीज़ है कि नॉर्मली शी बिहेव्स लाइक दैट, कि उसका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा हो गया है दैट कम अवेलेबल रहती है या अवेलेबल ही नहीं रहती इतने दिनों तक, एंड देन फिर वापस आती है तो फिर बोलती है कि मैं बिज़ी थी, तो या ये तो फिर क्लियर साइन है कि शी इज़ नॉट इन टू यू। नंबर थ्री, आई डोंट वॉन्ट टू रूइन अवर फ्रेंडशिप। इफ़ कोई भी लड़की आपसे कहती है कि वो आपके साथ दोस्ती नहीं ख़राब करना चाहती, तब जब आप कोई सवाल पूछते हो या कुछ यू नो लाइकिंग जताने का ट्राई करते हो और सामने से ये रिएक्शन आता है कि देख मैं ना हमारी दोस्ती नहीं ख़राब करना चाहती, तो वो ये लाइन इस लाइन की जगह पे बोल रही है कि आई एम नॉट रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू, आई हैव नेवर थॉट अबाउट डेटिंग यू एंड आई डोंट लाइक यू इनफ टू चेंज माई माइंड बिकॉज आई एम नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू। तो ये चीज़ें अगर वो आपको डायरेक्टली बोल देंगी तो आपको बहुत अजीब लग जाएगा, दैट्स वाई वो नाइस चीज़ें कवर अप करके बोलती हैं ताकि आप समझ जाओ और आपको बुरा भी ना लगे। आप ये सोचकर जीने लगते हो मन में होप लेकर कि उसके मन में कहीं ना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए वो ऐसे कह रही है कि वो मेरी दोस्ती नहीं खोना चाहती। हो सकता है ये दोस्ती प्यार में बदल जाए आगे चल के, बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज शी इज़ क्लियरली सेइंग दैट शी डजंट वॉन्ट टू रुइन दिस फ्रेंडशिप बाय एडिंग रोमांस इन इट। वो आपको हर्ट नहीं कर रही है क्योंकि आप अच्छे हो, तो आप अपनी अच्छाई को बरकरार रखते हुए इस बात को समझो दैट यू आर डिजर्विंग इनफ टू गेट दिस रिएक्शन। नहीं तो डिसरिस्पेक्टफुली भी नो कहा जा सकता है, लेकिन इफ कोई इंसान इतने रिस्पेक्ट के साथ आपको नो कह रहा है तो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। नंबर फोर, यू आर अ ग्रेट गाय बट। अब वो बट के बाद कोई भी एक्सक्यूज दे सकती है, बट एनी थिंग बाय फॉलोइंग दैट बट स्टेटमेंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि शी कैन से कि ओ यू आर सो नाइस, यू आर सो क्यूट, यू आर ऑसम, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर हैंडसम टू, बट आई कैन बी विथ यू, सॉरी आई एम नॉट योर टाइप ऑफ गर्ल, ऐसे वो कुछ भी कह सकती है। तो बट के बाद कुछ भी जो बोले उसको मत सुनो, क्योंकि यू नो लोग आई लव यू बट आई कैंट मैरी यू बोल के ब्रेकअप कर लेते हैं। तो यू लव मी ठीक है, बट अभी मैं आई लव यू का क्या करूँ तुम्हारे लाइफ में, तो वही अप्लाई होगा ना जो तुमने बट के बाद बोला, तो बट के बाद बोली वाली लाइन ही अप्लाई होती है लाइफ में, तो उसी को कंसिडर करो। बट के पहले चाहे वो कुछ भी बोले आपको, कितना भी ऑसम बोले, कितना भी अमेजिंग बोले, उसको इग्नोर करो, क्योंकि इन चुपनी चुपड़ी बातों की वजह से, चुपनी चुपड़ी नहीं होता, चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से आप सोचते रह जाओगे कि इफ़ आई एम दैट ऑसम तो फिर प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम ये है कि वो गर्ल डबल स्टैंडर्ड है, उसको सीरियसली आपके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आना है और आपकी फ्रेंडशिप भी नहीं खोनी है या आपकी कंपनी या आपकी भी जो भी है, लाइक शी डोंट वॉन्ट टू लूज वॉट एवर यू गाइज हैव, फ्रेंडशिप, फ्लर्टिंग और एनी थिंग यू गाइज हैव, वो नहीं खोना चाहती है उसको, बट वो रिलेशनशिप में भी नहीं आएगी आपके साथ कभी, और आपको अच्छा 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 बोलती रहेगी सब कुछ, लेकिन शी वॉन्ट कमिट विथ यू। तो आप ऐसे फ्रेंड जोन में फंस जाओगे, तो ये चीज़ नहीं करो। और वो बट के बाद कुछ भी बोले नहीं सुनो, बिकॉज एनीथिंग बाय फॉलोइंग दैट बट शुड नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज इट वॉन्ट बी एप्लीकेबल ऑन योर लाइफ। तो बट के पहले जो उसने बोला है उसे इग्नोर करो, और बट के बाद वो जो बोलती है बस उसी को सही समझो एंड जस्ट मूव ऑन। नंबर 5, आई एम फाइन, नो शी इज़ नॉट, बट वो ये आई एम फाइन जैसा सफ़ेद झूठ बोलती क्यों है? क्योंकि वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है, लैक ऑफ वर्ड्स और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से वो आई एम फाइन कहना ही सेलेक्ट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं और बहस करने लगोगे, और वो उस वक्त इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड और डिस्टर्ब्ड फील कर रही होती है कि वो अपनी बात आप तक नहीं रख पाती है। दैट्स व्हाई शी सेज आई एम फाइन। और आई विल सजेस्ट यू कि जब भी कोई लड़की आई एम फाइन बोले ना, तब उसको बस इतना कहना कि नो यू आर नॉट फाइन, बट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी इनफ टू शेयर विथ मी देन इट्स ओके, आई वोंट डिस्टर्ब यू एंड आई वोंट इरीटेट यू बार बार पूछ पूछ के, और अपना ख्याल रखना बस। मैं रखता अगर मुझे तुम रखने देती, लेकिन ठीक है, जस्ट टेक केयर। वाओ, कितने मैच्योर और प्यारे लगोगे तुम ये बात कहते हुए। नंबर 6, वी नीड टू टॉक। ये लाइन सुनते ही सबको ऐसा धक धक होने लगता है, लेकिन मतलब ऐसे इंसान सोचने लगता है कि हाउ विल आई डिफेंड माई सेल्फ, मैंने कुछ तो किया है जिससे पता चल गया है, अब ये क्या बोलेगी ऐसे करके। बट रिलैक्स गाइस, गर्ल्स छोटी छोटी बातों पे भी वी नीड टू टॉक ऐसे बोल देती हैं, बिना ये सोचे कि बॉयज़ को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है ये सुनते ही। लेकिन इट्स ओके, जस्ट गल खाने के लिए तैयार हो जाओ, ये वो यही मतलब होता है उसका। नंबर 7, आई एम नॉट श्योर हाउ आई फील अबाउट यू। कोई भी गर्ल जो कितना भी करीब हो आपके, कितनी भी आपके क्लोज हो, आपके साथ गर्लफ्रेंड टाइप बिहेव करती हो या कन्फ्यूज आत्मा हो, बाय नेचर ऐसे कन्फ्यूज सी रहती हो, बट इफ़ उसने अगर कह दिया कि वो कन्फ्यूज है या वो उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो आपके लिए क्या महसूस करती है, दैट मीन्स वो प्रैक्टिकल इंसान है, वो प्रैक्टिकली सोच रही है। और वो अपने इमोशंस को लेकर जो इंसान कन्फ्यूज होता है ना, वो हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज है। तो जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा होता उस कंफ्यूजन की वजह से। सो दे एंड अप टेकिंग अ राइट डिसीजन जो उनके लाइफ के हिसाब से करेक्ट है और जो प्रैक्टिकल है। तो आप उनके इस चीज़ को ना ऐसे ही लो कि वो कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए राज़ी नहीं होगी, और अगर हो गई तो वो ऐसे ही कन्फ्यूज होके ऑन ऑफ टाइप का सिचुएशन चलता रहेगा, बिकॉज शी इज़ प्रैक्टिकल एंड शी विल टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं तेरे लिए क्या फील कर रही हूँ, वैसी कोई चीज़ नहीं होती है, शी इज़ फीलिंग नथिंग, बस यही है मतलब। आई डोंट नो वॉट आई फील अबाउट यू, मतलब आई फील नथिंग फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल आई हैड फॉर कन्फ्यूजिंग थिंग्स गर्ल्स से एंड वॉट दे एक्चुअली मीन। इफ आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि किसी की लड़की ने कुछ कहा हो और वो कुछ और मीन करती हो और आपको समझ में आ गया हो, तो ये चीज़ ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में, आई एम ईगर टू नो दैट। बिकॉज जैसे आप मेरे से मेरी बातें सुनते हो, वैसे मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो कुछ भी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। एंड जय श्री राधे कृष्णा।